ओके okay. तो आज हम एंटासिड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंटासिड्स को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एंटासिड्स, हम एंटासिड्स कब लेते हैं? जब हमें एसिडिटी होती है तब। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एसिड? दूसरी चीज, एसिडिटी कब होती है? तीसरी चीज, एसिडिटी कहाँ पे होती है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डू यू नो समथिंग अबाउट एसिड? अब आपके अकॉर्डिंग आप एसिड किसको बोलते हो? आप बोलो, व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू यू? हाँ बोला, एसिड म्हणजे काय? नोबडी। ओके, ये स्क्रीन पे आपकी, सर यस कंटिन्यू कंटिन्यू ओके, बोल। एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कैपेबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स। ओके फाइन, तो आप इस थ्योरी की बात कर रहे हो जिसमें अरेनियस थ्योरी में वो बोल रहे हैं, एनी सब्सटेंस विच रिलीजेस एच प्लस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एसिड। उसके बाद बेस की डेफिनेशन बनती है, एनी सब्सटेंस विच रिलीजेस ओएच माइनस आयंस इन वाटर। तो अरेनियस थ्योरी वाटर से रिलेटेड थी। अगर वो सब्सटेंस वाटर में वो रिएक्शन दिखा सकता है, रिलीज ऑफ एच प्लस आयंस एंड रिलीज ऑफ ओ एच आयंस, देन ओनली यू कैन डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद और एक थ्योरी प्रपोज की गई जिसका नाम था लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। इसमें क्या बोलते थे वो, एनी सब्सटेंस विच डोनेट्स द प्रोटॉन इज कॉल्ड एज एसिड एंड एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट दी प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेस। बट अरेनियस थ्योरी एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, अभी उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो थ्योरीज थे उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दिखा सकते थे, लेकिन हम ना उन्हें अरेनियस में रख सकते हैं ना लॉरी ब्रॉन्स्टेड में रख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक फाइनल थ्योरी दी जिसमें वो कहते हैं, एनी सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एसिड, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बेस। तो ये है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ एन एसिड। तो ये चीज आपको याद रखनी है फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि आप एसिड और बेसिस को किस थियोरी के अनुसार डिफाइन करते हो। सेकेंड थिंग, एसिडिटी कहाँ पे होती है? पेट में होती है। ठीक है, तो पेट में एसिडिटी होने के पीछे रीजन क्या है? इम्प्रॉपर डाइजेशन। आप कुछ भी खा रहे हो दिन में, कैसा भी आपका शेड्यूल है, ना आप सुबह में नाश्ता कर रहे हो, ना दोपहर का ब्रेक लंच अच्छे से कर रहे हो, ना रात का डिनर अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद खाने के बाद तुरंत सो भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे आपका डाइजेशन हैम्पर हो रहा है, राइट? तो उससे पहले आपको ये समझना होगा डाइजेशन क्या है, और डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम हुआ तो एसिडिटी किस तरह से आपको हो सकती है। देन व्हाट इज डाइजेशन? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वाटर सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस सच एज चीविंग, चर्निंग, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब इजिली इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो इस डेफिनेशन को हम पार्ट्स में देखते हैं। फर्स्ट थिंग, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड पार्टिकल्स, मतलब आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, फैट्स खाते हो, प्रोटीन्स खाते हो, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो एज इट इज आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है ड्यू टू इट्स लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। अभी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअल में इनसोल्यूबल है, लेकिन जब आप उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हो तो उसका कन्वर्जन हो जाता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। तो पहली प्रोसेस होती है जहाँ पे हम जो फूड ओरल कैविटी में खा रहे हैं उसको चबा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चीविंग। उसके बाद आप उसको स्वेलो करोगे, वो फैरिंग्स आपका इसोफेगस देन स्टमक में एंटर होगा। तो जो फूड ओरल कैविटी से होके स्टमक में एंटर होता है, उसके बाद उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टमक मसल्स। तीन टाइप के मसल्स स्टमक में होते हैं, वो तीनों मिला के एक ऐसी मोशन क्रिएट करते हैं जिसमें फूड को तोड़ने
तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उस मोशन को हम कहते हैं चर्निंग मोशन। एंड थर्ड पार्ट इज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। ओरल कैविटी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, स्टमक में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, इंटेस्टिन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको स्पेसिफिकली हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो उनका काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना और सिंपल सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ देना, ताकि उसका जो फाइनल फॉर्म है उसको हम इजिली एब्जॉर्ब कर सके इनटू ब्लड स्ट्रीम। अभी बायोफार्मास्यूटिक्स में लास्ट ईयर एक कॉन्सेप्ट था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स व्हाट, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आप जो कुछ भी खा रहे हो वो आपकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ओरल कैविटी, वहां से वो एंटर हो रहा है स्टमक में, वहां से वो एंटर हो रहा है ड्यूओडेनम में, मतलब एंड पार्ट क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर फूड अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी क्या है, वो फूड आपके बॉडी के अंदर सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, उसमें से गैसेस इवॉल्व होने लगेंगे, कुछ अनयूजुअल रिएक्शंस होने लगेगी, और उससे आपको डाइजेस्टिव ट्रैक की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। तो ये था एक बेसिक पार्ट कि डाइजेशन हम किसको बोलते हैं, लार्जर सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब करना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे अभी क्लियर हो चुके हैं, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज डाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। तो डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। स्टमक का इनिशियल पॉइंट क्या है, ईसोफेगस का कनेक्शन विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टमक, वो किसके थ्रू होता है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर्स। अभी स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक कनेक्शन है जो ये कंट्रोल करता है एक मोमेंट पे कितना फूड स्टमक में आना चाहिए। एकदम से सारा फूड आ गया तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा, और स्टमक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तो की ओवरलोडिंग होने के बाद वो काम कर सके। तो ईसोफेगस क्या करता है, एक मूवमेंट कैरी करता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्सिस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके थ्रू फूड धीरे 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 स्टमक में आता है। लेकिन उसे स्टमक में एंटर करने के लिए एक गेट को क्रॉस करना है, उस गेट को हम कहते हैं स्फिंक्टर, एक ऐसा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। तो जो फूड की मूवमेंट होती है इनटू द स्टमक वो कंट्रोल्ड है, एकदम से सारा फूड नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। देन पार्ट्स ऑफ द स्टमक, तो स्टमक के टोटल चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट कार्डियक रीजन, इसको हम कार्डियक रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट के क्लोज में होता है। दूसरा फंडस रीजन, तीसरा बॉडी ऑफ द स्टमक, एंड चौथा पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन के भी दो पार्ट होते हैं, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एंट्रम। देन जो पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, सबसे लास्ट वाला रीजन जो इंटेस्टिन के साथ कनेक्शन में आने वाला है, वहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है। देखो रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, अगर ईसोफेगस से फूड स्टमक में आ रहा है तो वो कंट्रोल्ड मैनर में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सेम अगर कोई फूड स्टमक से एग्जिट करने वाला है तो वहां पे भी एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जो इंटेस्टिन में फूड की जो एंट्री होती है उसे कंट्रोल कर सके। एकदम से इंटेस्टिन में सारा फूड चला गया तो इंटेस्टिन ओवरलोड हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, यहाँ पे दो लॉक है, पहला लॉक है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर एंड दूसरा एंड पॉइंट का लॉक है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों कंट्रोल करेंगे फूड कितना आना चाहिए और कितना स्टमक से बाहर जाना चाहिए। मतलब आपको जनरली ये कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाते हो ना तो उसको 32 बार चबाना चाहिए, एकदम से निगलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एकदम से आपने निगल लिया दो तीन बार चबा के, प्रॉब्लम ये है ओरल कैविटी का आपका फंक्शन क्या है, मैं फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। अगर आपने फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में अच्छे से नहीं तोड़ा और वो फूड डायरेक्टली स्टमक के पास चला गया तो स्टमक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ दैट फूड, तो हमें वो अवॉइड करना है। अगर स्टमक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो एक मोमेंट ऐसा भी आ जाएगा कि वहां पे एक्सेसिव एसिड सिक्रीट करना पड़ेगा फॉर डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ दैट फूड, तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम स्टमक की हिस्टोलॉजी देखते हैं तो स्टमक की हिस्टोलॉजी में टोटल चार पार्ट्स हैं।
ओके लेट्स कंटिन्यू. तो अगर हम स्टमक की हिस्टोलॉजी देखते, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में टॉप पोर्शन देखो, एक स्टमक है, उसका छोटा सा सेक्शन हमने यहाँ पे जूम किया है. तो स्टमक के हिस्टोलॉजी में टोटल चार लेयर्स होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोसा. जो लेयर फूड के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है वो है म्यूकोसा लेयर. अभी उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, सरफेस एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा. तो इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ म्यूकोसा में इतना याद रखो कि म्यूकोसा लेयर में कुछ ग्लैंड होते हैं जो हमें एसिड सिक्रीशन में मदद करते हैं, जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड. तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के एनाटॉमी में कौन कौन सी चीजें हैं, फर्स्ट वन सरफेस म्यूकस सेल्स, सेकेंड वन पैराइटल सेल, थर्ड वन म्यूकस नेक सेल्स, देन एंटेरोक्रोमैटिन लाइक सेल्स विच सीक्रेट्स हिस्टामिन, देन डी सेल्स जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, देन चीफ सेल्स जो रिलीज करता है पेप्सिनोजन, एंड देन एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स. तो इनका पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो पर्टिकुलर केमिकल को रिलीज करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड. इसमें से एसिड प्रोडक्शन का काम जो सेल करती है उसका नाम है पैराइटल सेल. तो आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है पैराइटल सेल. तो पैराइटल सेल एक्चुअल में एसिड किस तरह से बनाती है, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. क्यों? फार्माकोलॉजी ऑफ एंटासिड्स. अगर आपको एंटासिड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस सीखने हैं, तो पहले ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में एसिड कहां से बनता है, तभी तो हम उसे ट्रीट कर पाएंगे कि वहां पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा कि एसिड बने ही नहीं या एसिड बॉडी बना ही नहीं सके. तो पैराइटल सेल पे, सेल के ऊपर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एसिड को बनाने के लिए मदद करते हैं. तो हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रग्स देंगे जो इस पैराइटल सेल को किसी तरह से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दे. वो हो गया आपका अनदर रूट, एडवांस रूट. जनरली हम क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं, शांति से 6 सेकंड में हमें आराम मिलता है. ये क्यों होता है, वहां पे हमें पैराइटल सेल के साथ कुछ लेना देना नहीं है. इनो हमने पी लिया ना, वो इनो डायरेक्टली पेट में जाता है, पेट में जितना भी एक्सेसिव एसिड है उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है. वहां पे सिस्टमिक सर्कुलेशन का कोई रोल नहीं है. लेकिन पैराइटल सेल के साथ अगर कोई ड्रग एक्ट करना चाहता है तो उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा, तभी वो जाके एसिड प्रोडक्शन को कम कर सकता है. वो सारी चीजें आगे आने वाली है. तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ही हम इसकी फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं. तो पैराइटल सेल होती कहाँ पे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में. गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होती है, स्टमक में. स्टमक में कौन से रीजन में होती है, म्यूकोसा रीजन में होती है. म्यूकोसा रीजन का काम क्या है, म्यूकोस को सिक्रीट करना, दूसरी चीज की एसिड को सिक्रीट करना. लेकिन स्टमक में एसिड क्यों रिलीज होता है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमें रोकना है एसिड को, लेकिन एसिड का कुछ ना कुछ काम रहेगा जो हमें मदद करता है डाइजेशन ऑफ द फूड में. आपको क्या लगता है एसिड का काम क्या हो सकता है फूड के डाइजेशन में, बोलो. ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स. नो, रॉन्ग. लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए आपके पास एंजाइम है लाइपेज. एनी अदर आंसर? लगाओ दिमाग, लगाओ. ओके, फर्स्ट ईयर एचएपी में जाते हैं, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए. आप जो कुछ भी खाते हो फूड, क्या वो 100% स्टराइल है क्या, उसमें बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता. आप जो कुछ भी खाते हो, ओरल कैविटी में एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, जो आपके लैक्रिमल फ्लूइड में भी होता है. हम कहते हैं ना कि जनरली हमारी आंखें एयर के साथ एक्सपोज्ड है, लेकिन इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में होने के बावजूद हमें आंखों की बीमारियां नहीं होती है. कभी कभार होती है कुछ सीवियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन की वजह से, बट वो सीजनल है, हर रोज तो नहीं होती. तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव बैरियर हमारे बॉडी में है जो हमें डिफेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट. मतलब एक एंजाइम जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम है लाइसोजाइम, जो टीयर्स में भी प्रेजेंट है, सलाइवा में भी प्रेजेंट है, फूड डाइजेशन में भी प्रेजेंट है. लेकिन एक आध माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच भी गया उस लाइसोजाइम के एक्टिविटी के थ्रू, तो वो स्टमक में जाने के बाद एसिड से नहीं बच सकता,
क्योंकि स्टमक एसिड का पीएच है कितना है, हाउ मच रेंज आता बोला, स्टमक एसिड की रेंज कितनी, नो वन, व्हाई, बोला बोला कौन तरी बोलो सर, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टमक एसिड, इस पीएच में कोई भी माइक्रोबियल सेल बच नहीं सकती। तो एसिड का पहला काम है, जो भी आप फूड खाते हो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरल कैविटी में बच जाता है तो वो स्टमक में आने के बाद उसका काम तमाम, क्योंकि एसिड लेयर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स को डिग्रेड कर देता है, और एक बार प्रोटीन डिग्रेड हो गए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा देर के लिए टिक नहीं सकता। दूसरी चीज, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन इज डन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक, ये पॉइंट भी आपका हो चुका है, एक ऐसा केमिकल जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, जिसका नाम है पेप्सिन, लेकिन पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, उसका इनएक्टिव फॉर्म होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेशन करने एक्टिवेट करने के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है, विदाउट एसिड हम प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी नीड एसिड इन आवर स्टमक। लेकिन कुछ हमारी डाइजेशन सॉरी हमारा जो डाइट होता है दिन में पूरा, और हमारा जो सर्कैडियन रिदम है, कब सोना है, कब उठना है, कब काम करना है, इसमें इम्बैलेंस होने की वजह से एसिड की लेवल फ्लक्चुएट होती रहती है, जिससे एसिडिटी होती है। तो एसिड बनता कैसे है वो देखो पहले। फर्स्ट पॉइंट, पैरेटल सेल के ऊपर कुछ ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो एसिड प्रोडक्शन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, हिस्टामिन रिसेप्टर एंड गैस्ट्रिन रिसेप्टर, तीन रिसेप्टर पैरेटल सेल के ऊपर होते हैं, एंड कुछ आयन चैनल्स उसके सरफेस पे होते हैं जिनका एसिड प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर रोल है। पहली चीज, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और वो एक्ट होगा एसिटाइल कोलिन वाले रिसेप्टर के ऊपर, हिस्टामिन रिलीज होगा वो उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, देन गैस्ट्रिन रिलीज होगा वो उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, लेकिन ये रिलीज की प्रोसीजर भी कंट्रोल्ड है, कब होगा कब नहीं होगा, राइट? तो एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन जब रिलीज होते हैं तो वो पैरेटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एच प्लस एंड एच सी ओ थ्री माइनस आयंस। कैसे? उस सेल में वाटर एंड सी ओ टू मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में, तो जब एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन एंड गैस्ट्रिन उनके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, तब वाटर मॉलिक्यूल फ्यूज हो जाता है CO2 के साथ, उससे बनता है H2CO3। बट ये जो कन्वर्जन है इसके लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बट ये जो H2CO3 बना हुआ है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसका ब्रेकडाउन तुरंत हो जाता है H प्लस आयंस HCO3 माइनस आयंस। तो जो HCO3 माइनस आयंस है वो उस सेल में उनका कुछ काम नहीं है, वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर हो जाते हैं, तो उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन अंदर आते हैं। आप उस स्लाइड पे देख पा रहे हो, चलो इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, ओके? अभी यहाँ पे देखो, चैनल्स के ऊपर ध्यान रखना है, एंटीपोर्ट, क्लोराइड चैनल, एच प्लस, के प्लस, एटीपेस पंप एंड पोटेशियम चैनल। तो जो ब्रेकडाउन हुआ है, HCO3 माइनस बाहर चला गया, उसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन अंदर आते हैं थ्रू Cl माइनस, HCO3 माइनस, एंटीपोर्ट। और जो Cl माइनस आयन है वो पैरेटल सेल में उनका कुछ काम नहीं है, तो वो एंटर हो जाते हैं ल्यूमेन ऑफ द स्टमक विद द हेल्प ऑफ क्लोराइड चैनल। तो जो लेफ्ट हैंड साइड को क्लोराइड आयन अंदर आया था वो डायरेक्टली वहां से बाहर जाता है स्टमक ल्यूमेन में। तो अभी स्टमक के ल्यूमेन में कौन से आयन्स प्रेजेंट है? एट प्रेजेंट क्लोराइड आयन्स। साइमल्टेनियसली दूसरी रिएक्शन होती है जिसमें एच प्लस आयन्स जो बने हुए थे वो सेल के बाहर जाते हैं विद द एक्सचेंज ऑफ के प्लस आयन। तो स्टमक के कैविटी में अभी दो आयन्स प्रेजेंट है, H प्लस आयंस, Cl माइनस आयंस, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होके बनाते हैं HCl। और जो पर्टिकुलर चैनल्स है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप, जो H प्लस आयंस को बाहर भेजता है इनटू द स्टमक ल्यूमेन फॉर कन्वर्जन ऑफ H प्लस इनटू Cl माइनस इनटू HCl, तो वो जो मेन पंप है वो एसिड की लेवल को कंट्रोल करता है। अगर किसी तरह से हमने इस प्रोटॉन पंप को अगर इनहिबिट कर दिया तो एसिड ही प्रोड्यूस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। पिछले वाले डायग्राम में देखो,
तो यहाँ पे आप कोरिलेट कर पाओगे, फोकस रखना है जहाँ पे H प्लस और K प्लस का एक्सचेंज हो रहा है वहां पे। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैटेगरी हम देखने वाले हैं, वो क्या करेंगे, जो H प्लस आयंस स्टमक के ल्यूमेन में एंटर होने वाले हैं, उसका जो चैनल है उसको ही ब्लॉक करेंगे। जो भी ड्रग्स हम लेने वाले हैं उस चैनल को ही ब्लॉक करेंगे। तो चैनल अगर एक बार ब्लॉक हो गया तो H प्लस आयंस वहां पे नहीं आ सकते, सिर्फ वहां पे क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, तो HCl नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली एसिडिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड पे तीन मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, तीनों रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर दे तो साइकिल ही स्टार्ट नहीं होगी। साइकिल अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पहले तो आपको एसिड प्रोडक्शन होता कहाँ से ये समझना था, उसके बाद हम उसको रोकेंगे कैसे ये समझना था। लेकिन जो एसिटाइल कोलिन का रिलीज है, जो एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, वो क्यों हुआ, वो कहाँ से आया, देखो जब भी आपको भूख लगती है या आप ऐसा फूड देखते हो जो आपको बहुत पसंद है, तब आपकी वेगस नर्व एक्टिव होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेगस नर्व? क्रेनियल नर्व्स 12 नर्व्स है, उसमें से वेगस नर्व का नंबर कौन सा है? कंफ्यूज? बोला 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 साले, तुमसे 12, 12 इज ग्लॉसोफेरिन 10, हाँ 10 इज वेगस नर्व, राइट। तो जब आप किसी फूड को देखते हो जो आपको बहुत पसंद है या आपको भूख लगी है, तब उस वक्त पे वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है, और वो जो एसिटाइल कोलिन है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होके एसिड प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। ये है वेगस नर्व का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, वेगस नर्व जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके ऊपर कुछ सेल्स को मैंने मेंशन किया था, उसमें से जो जी सेल्स हैं एंड एंटेरोक्रोमाफेन सेल्स है, इन्हें एक्टिवेट कर देती है। तो ये जी सेल्स का फंक्शन क्या था, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन विच एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन पैराइटल सेल। एंटेरोक्रोमाफेन सेल्स का फंक्शन क्या था, रिलीज ऑफ हिस्टामिन, जो हिस्टामिन पैराइटल सेल के ऊपर हिस्टामिन रिसेप्टर है उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो इस डायग्राम में आपको अभी क्लियर कट दिखेगा कौन सी सेल किस तरह से काम कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड में पहला पॉइंट देखो, वहां पे एक न्यूरॉन है, वो है वेगस नर्व, वो क्या रिलीज कर रहा है, एसिटाइल कोलिन, जो एक्ट करेगा M3 रिसेप्टर लोकेटेड ऑन पैराइटल सेल, और M3 रिसेप्टर की कैटेगरी है GQ। उसके बाद जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वो एंटेरोक्रोमाफेन सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा फॉर रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो पैराइटल सेल के ऊपर H2 रिसेप्टर होता है जो एसिड प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता है, एंड थर्ड वन इज CCK रिसेप्टर जिसके ऊपर गैस्ट्रिन एक्ट करता है जो रिलीज हो चुका है जी सेल्स के थ्रू। लेकिन ये CCK रिसेप्टर क्या है, कोलसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर, सिंपल। तो उसके ऊपर गैस्ट्रिन एक्ट करता है फिर एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो यहाँ से हमें क्या समझना है, हमारा ड्रग कहाँ पे एक्ट करेगा। पहली चीज, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी, सिंपली M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। सेकेंड थिंग, एंटी हिस्टामिनर्जिक एक्टिविटी, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। थर्ड, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, ये थर्ड कैटेगरी थोड़ी अनयूजुअल है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर जो CCK रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। चलो मान लिया एसिटाइल कोलिन हिस्टामिन गैस्ट्रिन ने इनिशियल प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हमें फाइनल स्टेप पे रोक देना है एसिड प्रोडक्शन, दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन पंप। तो जो रेड मार्क है राइट हैंड साइड वाला, उसको अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो H+ आयंस पैराइटल सेल से बाहर जा नहीं सकते।